कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर इशारों-इशारों में केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव गांधी को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल डर का माहौल बनाने में नहीं किया। उन्होंने कहा कि राजीव जी की याद आज भी हमारे दिल में है। वो भारत को मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की बात करते थे। राजीव गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने थोड़े से समय में भारत की एकता की बात की और देश की बुनियादी सूरत बदलने का काम करके दिखाया। यह उन्हीं का फैसला था कि 18 साल के युवाओं को मतदान का अधिकार मिला, पंचायतों और नगर पालिकाओं को वैधानिक दर्जा मिला। ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी के रूप में उभर कर आगे आई। राजीव गांधी 1984 में बेमिसाल बहुमत में जीत कर आए थे, लेकिन उन्होंने उस ताकत का इस्तेमाल भय का माहौल बनाने और धराने धमकाने के लिए नहीं किया। प्रधानमंत्री रहते हुए 5 साल में राजीव जी ने देश की बुनियादी सूरत बदलने का काम करके दिखाया। ये उन्हीं का फैसला था कि 18 साल के युवाओं को मतदान का हक मिले। यह उन्हीं की निजी प्रतिबद्धता थी कि पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिले। वे देश की तरक्की न केवल तीसरी मजबूत सीढ़ी बनी, बल्कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी के रूप में उभर कर निकली।